लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के क्रम में आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस समय हम लोग ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश पर बात कर रहे हैं। कल मैंने पहला लेक्चर इस पर लिया था और हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण विकास क्या है, ग्राम क्या है, संस्थाओं की क्या आवश्यकता है और राजस्व परिषद के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। उसके बाद उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है दूसरे लेक्चर में, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और पंचवर्षीय योजनाएं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है, इनका विकास कैसे हुआ, इनका स्वरूप कैसा है, संवैधानिक प्रावधान जो इनसे जुड़े हुए हैं वो क्या क्या है और फिर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे उनको हम लोग आज की कक्षाओं में हल करेंगे। देखिए, आपकी जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है उसमें आपका जो जीके है उस जीके की भूमिका बहुत अधिक नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 प्रश्न आपके जीके से आते हैं, जिसमें से भी 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से जुड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग जो 15 प्रश्न है वो आपके जीके के हैं, है ना। तो विविध अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उस पोर्शन को आप ऐसे भी आराम से तैयार कर सकते हैं और इतनी पढ़ाई हम में से सभी ने की है। आपको फोकस करना है यहां पर ग्रामीण विकास, सामाजिक परिवेश पर, गणित पर और हिंदी पर, जो आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम लोग दूसरा लेक्चर ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश का करने चल रहे हैं। आइए, शुरुआत करने से पहले मैं संस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संस्था में लेखपाल के लिए एक बहुत बढ़िया 90 दिन का ऑनलाइन बैच प्रारंभ होने चल रहा है, जिसकी सूचना आपको लगातार मिल रही है। इस बैच में प्रतिदिन 5 आपकी लाइव कक्षाएं हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट था कि सर, अगर हम लाइव कक्षाएं नहीं देख पाएंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए, यदि आप कक्षाओं को उस समय नहीं देख पाते हैं तो वो कक्षा पूरे 24 घंटे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है और 3 महीने तक वो कक्षा आपको पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो जब समय मिले तब आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, 40 प्रैक्टिस सेट हैं, डाउट क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज है, रिवीजन कक्षाएं हैं, मैराथन कक्षाएं, ये सभी बिल्कुल उसी ऑनलाइन बैच में आपको मिलेगा। कुछ नहीं करना है। कैसे आप बैच से जुड़ सकते हैं, आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एंट्री लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करिए, आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर्स पर फोन करके भी आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। आइए, आज की महत्वपूर्ण कक्षा का प्रारंभ हम लोग करते हैं। स्थानीय स्वशासन को समझने से पहले हमें ग्रामीण विकास को कुछ लाइनों में और समझना होगा। गांव में रहने वाले लोगों को थोड़ा और हमें समझना होगा। देखिए, गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई के रूप में आज वहां पर निवास कर रहे हैं। हम ग्रामीण विकास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगरों से वहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है। नगरों में जो व्यवस्था है उसकी अगर हम तुलना करते हैं, कल हम लोगों ने तुलना की थी, तो चाहे वो संचार के साधन हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उद्योग हो, नगरों की तुलना में वहां पर कम है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है और नगरीकृत क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। इस विषमता को पाटने के लिए हम लोग ग्रामीण विकास की अवधारणा को पढ़ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, यदि हम और आप एक ग्राम में निवास करते हैं तो हमारी जो समस्याएं होंगी उनको हम समझते हैं। यदि हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारी समस्याएं हैं, हमारा अभाव है, हमारे विकास के लिए कार्यक्रम बनना है तो हमारी भी उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, उसके नियमन में भी हमारी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। हमें अपने जनप्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे हम अपने कार्य के बारे में कह सकें, जिससे हम अपनी समस्याओं के बारे में कह सकें और हम देख सकें कि गांव का विकास हम कैसे कर सकते हैं। यहीं से हमारे स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो स्थानीय स्वशासन अगर हम लोग देखें क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें अंतिम व्यक्ति को भागीदार बनाकर, इस अंतिम व्यक्ति से हमारा मतलब है जो गांव का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो गांव में रह रहा है, उसको भागीदार बनाकर उसको शासन प्रणाली में शामिल करना और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाना। इसका मतलब है उस अंतिम व्यक्ति को भी शासन प्रणाली में शामिल करना, उसके सुझावों को शामिल करना और उसकी समस्या को हल करने के लिए स्वयं उसको सक्षम बना देना।
यहीं से एक टर्म हमारा निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिस पर एक पूरी अवधारणा ये टिकी हुई है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सभी जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह निहित है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो शक्तियां हैं, जो शासन और प्रशासन की शक्तियां हैं, जो कार्य करने की शक्तियां हैं, उनको समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमने पहुंचाया या समाज के अंतिम व्यक्ति को उन शक्तियों से जोड़ लिया, उसके भी विचार हमारे लिए मूल्यवान हो गए। यहां पर जवाबदेही भी होती है और भागीदारी भी होती है। जो जवाबदेही होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है और जो भागीदारी होती है वो सक्रिय होती है। किसकी? उस आमजन की, उस नागरिक की जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, ग्राम समाज में रह रहा है, 700-600 की जनसंख्या में एक समूह बना के रह रहा है, वो उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही के माध्यम से भी जुड़ेगा और सक्रिय भागीदारी के भी माध्यम से जुड़ेगा। इसका लाभ क्या होगा? यह नागरिक, यह आमजन स्थानीय शासन के माध्यम से, अपनी जरूरतों को, अपने विकास के फैसलों को सीधे तौर पर ले सकता है, उनमें शामिल हो सकता है। यदि हम गांधी जी की बात करें और अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा की तरफ टिल्ट है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के जो सबसे बड़े वाहक रहे हैं वो महात्मा गांधी रहे हैं और ग्रामीण स्वराज, कल्याणकारी राज्य उनका प्रमुख उद्देश्य था और उनका प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि विकास के नियमन में, मतलब जो विकास आप स्थानीय लोगों के लिए कर रहे हैं, उस विकास के नियमन में स्थानीय लोगों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही अवश्य होनी चाहिए और उनकी सक्रियता अवश्य होनी चाहिए, तभी आप ग्रामीण क्षेत्र का बखूबी विकास कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम स्थानीय स्वशासन के एक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय स्वशासन ऐसा नहीं है कि बहुत नई अवधारणा है, बल्कि वैदिक साहित्य से ही स्थानीय स्वशासन के विवरण हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें, चाहे हम मध्यकालीन भारत की बात करें और चाहे हम आधुनिक भारत की बात करें, इसके विवरण हमें लगातार रूप में मिलते रहते हैं और यही प्रश्नों उत्तर के रूप में आपकी परीक्षा में सीधे आपको पूछे जाते हैं। यहां पर किसी भी चीज का आपको प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, बल्कि अपने दिमाग में कनेक्टिविटी बनानी है, जिस कनेक्टिविटी से आप इस पूरे विषय को आत्मसात कर सकें और आप अपने दिमाग में उसको सेट कर सकें। तो देखते हैं कि प्राचीन काल से कैसे हमें विवरण मिलते हैं और उन विवरणों से कैसे आपके प्रश्न मिलते बनते हैं, और फिर हम इसी यात्रा को आगे लेते चलेंगे और सारा विषय कनेक्ट करते चलेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में अगर हम स्थानीय स्वशासन के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में हमें सभा और समिति के रूप में ऐसे विवरण मिलते हैं। सभा और समिति को ऋग्वेद में प्रजापति की दो कन्याएं कहा गया है। सभा और समिति स्वात संस्थाओं के रूप में थी जो ग्राम के विकास के लिए कार्य करती थी और इन स्वात संस्थाओं के रूप में इनका विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। मौर्य काल में जब हम आते हैं तो मौर्य काल में भी हमें स्वात संस्थाओं के विवरण मिलते हैं, सल्तनत काल में भी मिलते हैं और मध्य काल में भी मिलते हैं। मध्य काल के बाद जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं और हम 1880-82 के समय में आते हैं, यह वह समय है जो अनवरत रूप से आज के विकास क्रम से जुड़ा है, जिसे हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन साहब ने यहां पर कहा कि पूरे देश को तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड में बांट देना चाहिए, जिससे विकास की प्रक्रिया में निचले स्तर के लोगों को भी आराम से जोड़ा जा सके। इसीलिए से स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कहा जाता है। इसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा हम सभी लोग जानते हैं स्थानीय स्वशासन को पूर्णता अधिकारों के साथ राज्य का विषय बना दिया गया। कब? 1935। यह भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन को पूर्णता अधिकारों के साथ राज्य का विषय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1935। आपके विकास क्रम में यह घटना और यह घटना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम लोग यहां पर आगे बात करें तो
जब 1947 में स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। मैंने पहले भी कहा, हमारा पूरा संविधान गांधीवादी विचारधारा की तरफ पूरी तरफ से टिल्ट था, झुका हुआ था, और गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। और सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की जाए, और हमारे यहां पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। एस के डे को इसका पहला मंत्री आपका बनाया गया है ना। अब यहां से जो शब्द आपका मिला स्थानीय स्वशासन, आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? पंचायत में। अभी तक हम जिसको स्थानीय स्वशासन कह रहे थे वो अब यहां पर एक शब्द के रूप में इकट्ठा हुआ, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? पंचायत कहा। यह पंचायत जो है यह संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच व्यक्तियों का एक समूह। पांच व्यक्तियों का एक समूह पंचायत। अब इस पंचायत शब्द को वास्तविक स्वरूप कैसे दिया जाए, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ग्रामोद्धार समिति का गठन किया। ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसका दूसरा नाम आप कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को ही ग्रामोद्धार समिति कहते हैं। तो ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे बहुत प्रभावी बनाया जा सकता है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है, और इसके बारे में जो प्रावधान, जो विचार होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति ने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया इस पर। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पीकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे सीधे शब्दों में पूछा जा चुका है कि पंचायती राज का शिल्पीकार या वास्तुकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय जी को, मेहता जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले से लिख के इसलिए रखता हूं कि आप लोग जब पढ़ें तो आप लोगों का बिल्कुल भी समय खराब ना हो। सीधे तौर पर मैं पहले से एक तैयारी करके रखता हूं कि आप लोग देखें, दिमाग में आपके पास सेट हो। इसी तरीके से एक व्हाइट पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है और इसी तरीके से पढ़ते चलना है। इससे ज्यादा कठिन आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको पंचायती राज पढ़ाने के लिए बैठूं तो मैं 11 दिन 12 दिन आपको केवल पंचायती राज ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन पंचायती राज इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत का जितना है उतना ही मैटर में निश्चित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर मैंने इन 42 प्रश्नों की जिम्मेदारी ली है तो मैं उन 42 प्रश्नों को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, इससे ज्यादा और इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पीकार बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की समिति ने कुछ स्पष्ट प्रावधान दिए थे जिनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन की पूरी योजना को रिपोर्ट के रूप में त्रिस्तरीय ध्यान रखिए, त्रिस्तरीय, ग्राम, ब्लॉक और जिला। मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की वकालत की थी या जो सपना देखा था उसमें कौन कौन शामिल था? ग्राम, ब्लॉक और जिला के रूप में पंचायती राज को लागू करने का पक्ष रखा। इनका पक्ष प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं को बहुत पसंद आया, जानकारों को बहुत पसंद आया। और हम सभी लोग जानते हैं कि सीधे ही तो हम इसको लागू नहीं कर देते, पहले इसका एक ट्रायल किया गया। और ट्रायल के रूप में 1998 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। और इसका ट्रायल जब आंशिक रूप से सफल रहा तो 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के दिन राजस्थान राज्य के नागौर जिले से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब पंचायती राज व्यवस्था यहां पर लागू तो हो गई राजस्थान के नागौर से, लेकिन अभी ये मजबूत नहीं थी, क्योंकि अभी तो ये व्यवस्था लागू हुई। मजबूत कोई व्यवस्था कब होगी? जब उसको संवैधानिक प्रावधान मिलेंगे, संवैधानिक अधिकार मिलेंगे और संवैधानिक शक्तियां मिलेंगी। तो यहां से एक नई जद्दोजहद शुरू हुई कि कैसे इस व्यवस्था को संवैधानिक शक्तियों में बदला जाए, संवैधानिक प्रयासों में बदला जाए। उस समय हमारे देश की
आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, एक देश हमारे देश से अलग हुआ था, लगातार हम लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, यहां तक कि खाने के लिए गेहूं की भी समस्या थी और हम लोगों ने अमेरिका से लाल गेहूं लिया था जिसके एवज में हम लोगों ने बहुत सारा सोना अपना वहां पर गिरवी रखा था। इस दौर से गुजर रहा था देश, लेकिन इच्छा शक्ति की कहीं भी कमी नहीं थी क्योंकि 1959-60 के दशक में ही हम इसको क्या कर चुके थे, लागू कर चुके थे। बस अब इसके प्रावधानों को समझते हुए इसको और मजबूत कैसे किया जाए और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था क्या, कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति की पूरी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, उद्देश्य और जवाबदेहिता के साथ कैसे उसको स्थानीय स्वशासन के विकास में जोड़ा जा सकता है, कैसे उसको स्वयं का विकास करने के लिए जोड़ा जा सकता है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहता है उस भौगोलिक क्षेत्र का विकास करने के लिए जोड़ा जा सकता है, इसके प्रावधान को और मजबूत करना था। तो अब यहां से एक स्वरूप हमारे सामने आया और स्वरूप सामने आने के बाद जो यात्रा शुरू होती है वो यात्रा शुरू होती है आपकी संवैधानिक प्रावधानों के विकास की। जब हम लोग संवैधानिक विकास की ओर बढ़ते हैं तो अब ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं थी कि सबके मन मस्तिष्क में पहले से यह समाहित था कि इसको संवैधानिक दर्जा देना है, बल्कि इसका जो विकास हुआ उसका भी एक क्रम था। अनेकों समितियों का गठन किया गया जिसमें से कुछ प्रमुख समितियां आपकी ऐसी हैं, अशोक मेहता समिति, पीवी के राव समिति और एलएम सिंघवी समिति, है ना। इन समितियों का गठन इसलिए किया गया कि कैसे हम पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, है ना, हम कैसे उस विकास क्रम को और सुदृढ़ कर सकते हैं। सभी समितियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, कुछ विचार अच्छे लगे उनको ड्राफ्ट किया गया, कुछ विचार अच्छे नहीं लगे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन संवैधानिक प्रावधान के लिए जो प्रमुख समिति जिसका नाम लिया जाता है उस समिति को हम क्या कहते हैं, पी के थुंगन समिति, जो 1988 में आई थी। ये समितियां भी इससे संबंधित थी, कुछ प्रावधानों को लिया गया, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी समिति थी वो कौन सी थी, पी के थुंगन समिति। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपका उत्तर यहां पर क्या होना चाहिए, पी के थुंगन समिति। बाकी जो समितियां आई हैं उन समितियों का इस विकास क्रम में योगदान तो रहा लेकिन उत्तर के रूप में वो समितियां वहां पर शामिल नहीं होती है ना। तो पी के थुंगन समिति के जब 1988 में गठन किया गया तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया और 1959 से जो यात्रा शुरू हुई थी वो 1992 के समय में आ चुकी थी। ढेर सारा भारत हम देख चुके थे, भारत अपनी पुरानी परेशानियों से उबर रहा था और यहां पर एक जो सुझाव दिया गया इस सुझाव को सभी ने स्वीकार किया और इसी क्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी ने 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दे दिया और इसी प्रकार 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनाया जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आपसे मन की बात की थी। 24 अप्रैल 1993 के बाद पंचायती राज जो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ प्रारंभ हुई थी जो यात्रा, अब एक संवैधानिक दर्जा हो गया था और संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में इसको पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1993 का। इसमें संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित करके जोड़ा गया, भाई नई शर्तें थी, नए प्रावधान थे, इसलिए भाग 9 में पंचायती राज को रखा गया और इसको पुनः स्थापित करके जोड़ा गया। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेके 243 ओ तक है। कितने कुल अनुच्छेद थे, 16 नए अनुच्छेद थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इस अनुसूची में पंचायतों के गठन, पंचायतों का उत्तरदायित्व, पंचायतों की शक्तियां और पंचायतों के प्राधिकार का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया। 29 विषय ऐसे दिए गए जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने का या नियम बनाने का अधिकार था, जो पूरे स्थानीय स्वशासन को उनके कवर करते थे, उनके विकास को कवर करते थे और उनकी जो जरूरतें थी उनके नियमन को वो वहां पे कवर करते थे। ऐसे कितने विषय थे आपके, 29 विषय ऐसे यहां पर थे। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को उस समय जब 2 अक्टूबर 1959 को भारत में लागू किया गया तो उसका पालन करने वाला जो पहला राज्य था
1959 के बाद वो कौन था, राजस्थान में उसको लागू किया गया था और ट्रायल जो किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम पालन करने वाला या उसी विधि पर चुनाव करने वाला 1994 में जो पहला राज्य आपका था वो पहला राज्य आपका कौन सा था, मध्य प्रदेश। ये प्रश्न भी आपसे यहां से पूछा जाता है कि पंचायती राज्य को जब संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक रूप प्रदान किया गया तो सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसने उस नियम का पालन करके उस प्रावधान का पालन किया या उसके अनुसार चुनाव कराए, तो ऐसा जो आपका पहला राज्य था वो कौन सा था बताइए, मध्य प्रदेश राज्य था। अब पंचायती राज अपनी यात्रा में संवैधानिक प्रावधान पर पहुंच चुका था तो कुछ शब्दावलियां जो थी वो बहुत स्पष्ट हो गई है ना। ग्राम क्या है बहुत स्पष्ट रूप से अब लिखित आ गया, ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत समिति क्या है, इन तीनों के अपने अलग अलग स्वरूप हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हो गए और ये शब्दावलियां भी स्पष्ट हो गई। जैसे अगर अब हम लोग देखें इसके बाद कि ग्राम क्या है, तो देखिए ग्राम क्या है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे जिस गांव में आप रहते हैं वह गांव क्या है, तो यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित है। अब ग्राम के बाद फिर आता है ग्राम सभा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा क्या है, है ना, अब इस भौगोलिक क्षेत्र में निवासित ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका नाम वोटर लिस्ट में या चुनाव नामावली में अधिकृत हो या रजिस्टर्ड हो, अर्थात ग्राम सभा ऐसे लोगों का समूह है जो राज्यपाल द्वारा अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जिनका नाम चुनाव नामावली में या वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है और अंकित है। फिर तीसरा स्वरूप आता है, तो देखिए यह तो एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित है, यह एक सांकेतिक समूह हो गया, क्या हो गया, सांकेतिक समूह हो गया जो नामावली में दर्ज है या रजिस्टर्ड है। अब तीसरी जो स्थिति आती है ग्राम पंचायत समिति, अब इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। चुनाव नामावली में जिन व्यक्तियों का नाम अधिकृत है अंकित है उन व्यक्तियों के द्वारा चुनी गई प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई जो शासन की संस्था है स्वायत्त संस्था वो क्या होगी बताइए, ग्राम पंचायत समिति होगी। तो अगर हम एक शब्द में देखें ग्राम स्तर की ऐसी स्वायत्त संस्था जो ग्राम सभा के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अब गांव वालों के पास अपनी एक संस्था है, उनके उस जो संस्था है उसके वो नियमन का हिस्सा है, वो उसके विकास का हिस्सा है, विकास की जरूरतों को वो अपने प्रतिनिधि तक पहुंचा सकते हैं, वो स्वयं अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं और यहां से स्थानीय स्वशासन की एक मजबूत शुरुआत हुई और वह शुरुआत लगातार उद्देश्य काल और परिस्थिति के परिवर्तित रूप में आज भी हमारे समक्ष मौजूद है। यह एक प्रथम सीढ़ी थी स्थानीय स्वशासन की। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो विकास के क्रम में केवल और केवल स्थानीय स्वशासन नहीं था बल्कि देश के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पंचवर्षीय योजनाओं से भी लगातार आप सभी लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं। बहुत विस्तृत आपको इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने बताया कि अगर इन टॉपिक्स को पढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, दसों दिन इन टॉपिक में निकल सकता है, लेकिन आपको बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है। देखिए किसी भी परीक्षा के लिए सबसे आवश्यक यह होता है कि हम उसके पाठ्यक्रम को समझें। यहां पर मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका एक नजरिया बन सके इस पाठ्यक्रम पे कि वास्तव में आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। जो 25 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ग्रामीण विकास के और सामाजिक परिवेश के, वो 25 प्रश्न है जो मैं आपको प्रश्नोत्तर बाद में हल कराऊंगा, इन्हीं में से आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करने से पहले कल मैं थोड़ा सा एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कल एक वीडियो मेरा गया था, आपने जो देखा इसका पहला वीडियो था, आप लोगों ने खूब देखा, उसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रिपल सी के बारे में बात की है। ट्रिपल सी के बारे में स्पष्ट नहीं है क्योंकि इससे पहले जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो उसमें ट्रिपल सी नहीं था, जो 6 महीने पहले आपका फॉर्म भरा गया था। तो अब ट्रिपल सी होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हाँ, मेरा आपसे एक सुझाव जरूर है कि आप तुरंत, आपको जब भी समय मिले, आप ट्रिपल सी में
रजिस्टर्ड हो जाइए, क्योंकि अधीनस्थ अपनी लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में ट्रिपल सी को कंपलसरी करता है और आप वर्तमान की जरूरत है कंप्यूटर पर कार्य करना, तो एक ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो इंतजार ना करें, कर लें। बाकी आप सभी लोग तैयारी करें, ईश्वर सब अच्छा करेगा। बहुत बिल्कुल भी आप इससे परेशान ना हो, जब भी इसके बारे में कोई निश्चित सूचना मिलती है मैं सबसे पहले आपको प्रदान करूंगा। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ भारत में 1951 से हुआ। संगठित विकास की एक अवस्था थी। पांच वर्ष की योजनाओं के रूप में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही और इसकी प्राथमिकता के जो क्षेत्र थे वो क्या थे, कृषि, सिंचाई और विद्युत, यही आपसे यहां से पूछे जाते हैं। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, अब जैसे आपसे कैसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पहली पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल नहीं था, कृषि, सिंचाई, विद्युत, खेल, तो आपका उत्तर होगा खेल शामिल नहीं था। ऐसे आप लोगों से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इतना ही चार्ट अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो भी ये प्रक्रिया आपकी आराम से हल हो जाएगी, बहुत ज्यादा विस्तृत पर जाके पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है 1956 से लेकर 1961 तक, तो ये भारी उद्योग और चिकित्सा से जुड़ा हुआ थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1961 से 1966 तक था, ये खदान उद्योग से जुड़ी हुई थी। अब यहां से एक स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना निम्न में से किससे संबंधित थी, तो खदान उद्योग से संबंधित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अगर हम लोग देखें 1969 से 1974, देखिए किताबों में अलग अलग लिखा है लेकिन जो चार्टिंग मैं आपको करा रहा हूं यही चार्टिंग आप एक व्हाइट पेज पर कर लीजिए और इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जो प्रश्न आएंगे और जो प्रश्नों के जो विकल्प आएंगे वो जो चार्टिंग मैंने की है इसी हिसाब से आएंगे, एक भी विकल्प आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। दो दो तीन तीन पहरा में जो लिखा है उससे अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसी प्रकार एक चार्टिंग कर लीजिए जैसे मैं आपको करा रहा हूं, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक यह कृषि एवं सिंचाई से जुड़ी हुई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक है, यह प्राथमिक शिक्षा, काम के बदले अनाज और अंत्योदय कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इस पंचवर्षीय योजना के बारे में कम से कम 10 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो आपका उत्तर होगा पांचवे, है ना। काम के बदले अनाज, न्यूनतम कार्यक्रम, न्यूनतम काम के बदले अनाज किस योजना में किया गया, तो आपका क्या होगा उत्तर, पांचवी। छठवीं पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जो एक बार प्रारंभ होने के बाद 2 वर्ष बाद बंद कर दी गई और फिर अपने संशोधित स्वरूप में फिर से एक बार प्रारंभ हुई। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1978 से प्रारंभ हुई थी लेकिन 1980 में इसको समाप्त घोषित कर दिया गया और नए संशोधित लक्ष्यों के साथ यह योजना 1980 में फिर प्रारंभ हुई और यह योजना 1985 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो यह 1985 से लेकर 1990 के समय तक चली और इस योजना में रोजगार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नई रोजगार योजना आई, जवाहर रोजगार योजना। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जवाहर रोजगार योजना को सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया था या किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जवाहर रोजगार योजना के तहत रोजगार देना थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, सातवीं। यह पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़ी हुई आपकी योजना थी। यदि हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1992 से 1997 के मध्य थी और यह शिक्षा, रोजगार, विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी लेकिन इसका प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र जो प्राथमिकता थी वो क्या थी, स्वास्थ्य। यहां से आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या टीकाकरण और मैला ढोने की प्रथा का पूर्णता समाप्त करना, मतलब स्वास्थ्य में 2 चीजें प्रमुख रूप से, एक तो टीकाकरण, तो टीकाकरण की शुरुआत किस प्राथमिकता के साथ किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले की गई, तो आपका उत्तर होगा आठवीं। मैला ढोने की प्रथा का पूर्णता समापन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो आपका उत्तर होगा आठवीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक न्याय से, सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई थी 1997 से 2002। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 सामाजिक अवसंरचना के विकास से जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार चार्टिंग आपको बेटा करनी है जैसे मैं बता रहा हूं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक शिक्षा, गरीबी और उन्मूलन से जुड़ी हुई थी और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक
अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा परक बनाने से जुड़ी हुई थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वो आठवीं का ध्यान रखना है, नौवीं का ध्यान रखना है, पीछे आपको सातवीं का ध्यान रखना है और पांचवी का ध्यान रखना है। बाकी ध्यान तो सभी का रखना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान आपको जरूर रखना है। यह पंचवर्षीय योजनाएं स्थानीय स्वशासन के साथ ही साथ आपकी चलती नहीं और वहां पर पंचायती राज का एक तरफ से जहां विकास हो रहा था, आम आदमी के लिए योजनाएं बन रही थी, आम आदमी को कैसे एक सक्रिय भागीदारी मिल सके उसका प्रयास चल रहा था, तो यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लगातार जितना संभव था हम अपने देश का विकास कर रहे थे और हम अपने नए नए लक्ष्यों को पा रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज्य, स्थानीय स्वशासन और पंचवर्षीय योजनाएं और उनके प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे, उनके प्रमुख लक्ष्य क्या थे। अब यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे, इन प्रश्नों पर आपको जरूर नजर देखना है। तो आइए यहां से बनने वाले, आज के लेक्चर से बनने वाले कुछ प्रश्नों को यहां पर हल करते हैं, है ना, और देखते हैं कि कैसे प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से उत्तर करिए, आप लोग पढ़ा है आपने, कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति संबद्ध है, रंगराजन समिति, सथानम समिति, बीआर मेहता। तो देखिए ये समिति और ये समिति तो संबद्ध है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन रंगराजन समिति का कोई भी संबंध इससे नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, बी। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया था या सबसे पहले लागू की गई थी, तो हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में से लागू किया गया था, अभी हम लोगों ने इसको हल किया। तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप बताइए, मैंने इतना आज आपको पढ़ाया बेसिक, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यही अर्थ है कि वो प्रशासन जो आपका विकास कर रहा है उस प्रशासन को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना या समाज के अंतिम व्यक्ति को उस प्रशासन से जोड़ना, जिससे उसकी सक्रिय भागीदारी, उत्तरदायित्व दोनों उस प्रशासन में बन सके। आइए, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। चौथा प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना जो कि रोजगार विकास की दो प्रमुख योजनाओं का समन्वित रूप था, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? अभी मैंने आपको इसको बताया है, बताइए जवाहर योजना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना। आइए, पांचवा प्रश्न है, स्वास्थ्य की प्रमुखता के साथ मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? टीकाकरण और स्वास्थ्य की प्रमुखता के साथ मैला ढोने की प्रथा, ये दोनों कौन से थी, बताइए आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, आठ। छठवां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ, 1951 से हुआ था, यहीं से सामुदायिक विकास की अवधारणा हमारी सामने आई थी, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, 1951 होगा। सातवां प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था, तो देखिए किस भारतीय संविधान में, तो हम कहेंगे 1992 का 73वां संशोधन। देखिए 1993 नहीं, महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही, तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि 1993 में तो वो अधिनियम बन गया था। आइए आठवें की बात करते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अभी आपको क्लियर किया 11वीं अनुसूची में, है ना, 29 विषय वर्णित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण रखरखाव आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी आता है, और न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं आता। कल भी मैंने जब राजस्व परिषद पढ़ाया था तो राजस्व परिषद के स्वरूप में मैंने बताया था कि राजस्व से संबंधित जितने भी आपके बाद होते हैं उनका सर्वोच्च जो न्यायालय होता है राजस्व का, वो राजस्व परिषद होता है, और सामान्य रूप से जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है वो उच्च न्यायालय। देखिए एक प्रश्न यहां पर समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं हो सकता, वो आपका उच्च न्यायालय हो गया, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायालय नहीं है। आइए
सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन वो अपीलीय न्यायालय नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है, तो आपका सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट होगा, इसको भी याद रखिए। हालांकि एक अलग विषय है, एक आध दिन हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, जरूर करेंगे। 10वां प्रश्न यहां पर है आपका, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों के अनुसार जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर, बिल्कुल देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्या था, तीन स्तरों पर, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, ये आपका बिल्कुल सही है। आई 11वां है आपका, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति अभी मैंने आपको तीनों वर्गीकरण बताया था, ग्राम क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत समिति क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और ये कौन सी जनता होती है, ये ऐसी जनता का समूह होता है जो कहां निवास करते हैं, ग्राम सभा में निवास करते हैं, और ग्राम सभा की शर्त क्या है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका नाम चुनावी नामावली द्वारा अधिकृत हो, मतलब वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो या तो अधिकृत हो। तो ये हम लोगों का आज का सेशन था, इसमें एक प्रश्न और है, इसको भी आप देख लीजिए। 12वां प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई, तो मैंने अभी आपको बताया था संवैधानिक प्रावधान की जो दिया गया वो पी के थुंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो ये हम लोगों का आज का सेशन था, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, और हम लोगों ने जो अपनी शुरुआत की थी वो यहां से की थी। हम लोगों ने अपनी शुरुआत की, हम लोगों ने मैग्ना पार्टा पढ़ा, जनक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो हम लोगों ने यहां से शुरुआत की थी, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाएं, क्यों इसकी आवश्यकता थी, विकास स्वरूप, संवैधानिक प्रावधान और प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर सुनते ही तैयार हो गया होगा, अच्छा लगा होगा। एक बार नोट्स बना के धीरे धीरे अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मेरा आपसे वादा है। तो बाकी आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं, अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, नकारात्मकता से बचिए, सकारात्मकता की ओर चलिए। संस्थान टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है पूरी तरह आपको सर्व करने के लिए, है ना। हमारे बैच में प्रवेश से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मैं इसी प्रकार आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप मुझे कहां से देख रहे हैं कमेंट के द्वारा अपना सूचित करें, आप लोग कैसे हैं सूचित करें। मैं और मेरा संस्थान लगातार आपके और आपके परिवार की स्वस्थ होने की कामना करता हूं, कर रहे हैं, और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में भी जो भी परिस्थिति हो आप लोगों को कुछ ना कुछ देते रहे, है ना। तो इन्हीं ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, टेक केयर।